गोरखपुर में ड्रोन पॉलिसी को लेकर एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जिले में 3 जोन का निर्धारण किया गया है, जिसमें रेड जोन में ड्रोन उड़ने पर पाबंदी रहेगी, येलो और ग्रीन जोन में मानकों के तहत ड्रोन उड़ाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि शहर में रेड जोन के दायरे में वीवीआईपी कार्यक्रम स्थल रहेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर वीवीआईपी एरिया में ड्रोन उड़ने पर पाबंदी रहेगी। एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि तय मानक से ज़्यादा ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेनी होगी। नियम विरुद्ध ड्रोन उड़ने पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा और ड्रोन जब्ती के साथ की जाएगी विधिक कार्रवाई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन जो रूल्स हैं 2021 अभी रिसेंटली ड्राफ्ट हुए हैं, उन सभी रूल्स के तहत एक क्लैरिटी सभी लोगों को मिला है कि स्थानीय स्तर पर अगर किसी व्यक्ति को ड्रोन उड़ाना है किन किन जोन्स में वो व्यक्ति ड्रोन उड़ा सकता है, किन में नहीं उड़ा सकता, उनकी क्या परमिशन है। इस नीति में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 2021 के जो ड्रोन रूल्स हैं उनको भी इनकॉर्पोरेट किया गया है और उनके ही इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस पॉलिसी को बनाया गया है। गवर्नमेंट द्वारा ये पॉलिसी रिलीज़ की गई है जिसमें रेड जोन में कोई भी ड्रोन है वो नहीं उड़ाए जाने का प्रावधान है। रेड जोन से 12 किलोमीटर की परिधि तक येलो जोन आता है, उसमें 200 फीट की हाइट तक आप ड्रोन है वो उड़ा सकते हैं, उसके बाद में आपको उसकी ज़्यादा हाइट की परमिशन लेनी पड़ेगी। और ग्रीन जोन में आपको 400 फीट तक आप ड्रोन है जो उड़ा सकते हैं। ड्रोन के अलग अलग टाइप्स भी डिफाइन किए गए हैं, लेकिन अगर इन एरियाज में कोई भी एरिया है उसको अस्थायी रूप से रेड जोन भी डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके लिए एक जिला स्तरीय कमेटी है, वो DM की अध्यक्षता में और उसमें एक पुलिस का अधिकारी भी सदस्य होगा और एक अन्य अधिकारी जिसको नामित किया जाएगा। इस कमेटी द्वारा समय समय पर VVIP कार्यक्रम में इस तरह की चीज़ों को देखते हुए किसी भी जगह को अस्थायी रूप से भी और स्थायी रूप से भी रेड जोन डिक्लेयर किया जा सकता है। और इन सब की परमिशंस के लिए अगर इन सर्टन हाइट है उससे ऊपर उड़ाना हो तो उस व्यक्ति को यहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्रोसेस शुरू होगा और फॉर्म मिलेगा और उस फॉर्म को फिल करने के बाद में उसी टीम स्टेट के यहाँ से उसको फाइनल परमिशन मिलेगा। इस तरीके की पॉलिसी इसमें डिफाइन किया गया है। इसमें वायलेशन होने पर मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक का पनिशमेंट है, उसके साथ साथ ड्रोन की सीजन भी। अभी वर्तमान में जो ड्रोन पॉलिसी बनाई गई है उसकी इम्प्लीमेंटेशन रिसेंटली ये इम्प्लीमेंट की गई है। अब जिस जैसे जैसे इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट है उनको अप्रीज कराया जाएगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में और उसको अपडेट कराया जाएगा। जिस तरीके से एयरक्राफ्ट भी किसी ज़माने में एकदम नए आए थे तब उनके लिए पॉलिसी इवॉल्व हुई थी, उसी तरीके से ड्रोन भी एक ऐसा संसाधन है जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों स्वरूप हमको देखने को मिलते हैं। सुरक्षा की आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रतिदिन लोगों के जीवन में ड्रोन जिनका शादी में विभिन्न कार्यक्रमों में या खुद की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी या इस तरह की तमाम कार्यक्रमों में भी यूज़ किया जाता है। सभी लोगों के लिए सहूलियत हो उसी के लोगों के कन्वीनियंस के लिए ही इस पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ आंतरिक सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, इन दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसे मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की उसको परमिशन की आवश्यकता है और उसमें बड़ी एकदम क्लैरिटी है कि उसको किसी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता है। जियो फेंसिंग एक ऐसा टर्म है जो कि ड्रोन्स के माध्यम से किसी एरिया को सर्टिफाइड एरिया है उसको उसके कोऑर्डिनेट्स को फिर बाद में ब्लॉक करवा दिया जाता है और सैटेलाइट्स के माध्यम से फिर उसको ड्रोन को उड़ने की परमिशन ऑटोमेटिकली नहीं मिलती है, तो उसमें ड्रोन एयरबोर्न नहीं हो पाता है। तो वो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशंस जिनको रेड जोन डिक्लेयर करवाना है उनको जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भी फॉरवर्ड किया जाएगा और बाद में उसकी जियो फेंसिंग करवाई जाएगी। बिल्कुल, इससे रेगुलेशन किसी भी सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन भी होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हर जागरूक नागरिक को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या रूल्स ड्रोन से संबंधित है। तो ये बेसिकली ये मुझे लगता है एक मुख्य इसका उद्देश्य वो है कि लोगों में ड्रोन के बारे में जागरूकता।